मामले में आरोपी शिक्षक अभी भी फरार चल रहा है। दरअसल कानपुर देहात में कुछ दिनों पहले एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां एक आशिक मिजाज शिक्षक ने अपनी ही छात्रा को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था और इसके बाद छात्रा के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने आनन-फानन में टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन अभी तक आरोपी शिक्षक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। घटना की के 8 दिन बीत चुके हैं। घटना मंगलपुर थाना क्षेत्र के बहावलापुर गांव की है। फिलहाल छात्रा के परिजन इंसाफ मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस आरोपी शिक्षक को कब गिरफ्तार कर पाती है। जो अनामिका हत्याकांड हुआ है उसमें तो अनामिका स्कूल वैन से जाती थी। जिस दिन ये हत्या हुई है उस दिन स्कूल से इधर से तो स्कूल वैन से गई, उधर से स्कूल वैन ड्राइवर ने मना कर दिया। स्कूल प्रबंधन लापरवाही ये रही, उसने गेट खोला और ज़बरदस्ती बोला कि आप प्राइवेट बस से चली जाओ। तो अनामिका ने मना भी किया, लेकिन उसने कह दिया हम तो नहीं जाएंगे। तो छोटे छोटे बच्चे थे, इनको क्या समझती, और बच्चे वहाँ से चल दिए। और जो हत्यारा है उसने उसके स्कूल वैन ड्राइवर को फ़ोन भी किया है, 5 में कॉल डिटेल भी आई है। तो इसमें सारी लापरवाही स्कूल प्रबंधन की है।